नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल आज सुबह टाइम्स राष्ट्र प्रेम, जन जागता, जनहित में सदैव समर्पित है। वहीं पर आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर शहर का नज़ारा दिखाने। आप देखिए, मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन नहीं चाहता कि सुंदर हो, कितना सुंदर हो, आप इसके लिए आप कल्पना कीजिए। और ख़ास रिपोर्ट आपके लिए तैयार किया हूँ। वहीं पर सुल्तानपुर ज़िले का फुटेज आप देख रहे हैं। सुल्तानपुर के बीचों बीच में एक गंदा सा नाला गया है, लेकिन वर्षों से इसकी मरम्मत या सौंदर्यीकरण के नाम से नदारद है। पहले भी ऐसी देखा जा सकता था, आज भी वैसे ही है। उत्तर प्रदेश सरकार को गंदा नाला का सौंदर्यीकरण कराया जाना चाहिए। वहीं पर पास में गोमती नदी है, इसका भी कोई आधुनिक सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। शहर कोई भी हो, सभी सड़क और शहर और सौंदर्यीकरण मांग रही है, जिससे सरकार को विशेष ख्याल रखना चाहिए। मेरा भारत स्वच्छता पर विशेष बल दिया है। वहीं पर शहर की सौंदर्यीकरण के लिए दूर पुराने से ऐतिहासिक और इमारतों को भी खास ध्यान रखना चाहिए। हाईटेक और सौंदर्यीकरण करने की ज़रूरत है। राज्यों की सरकार से अपील है कि विभिन्न तरह के हाईटेक के साथ साथ शहर को सुंदरता की भी ज़रूरत है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति शहर में आए या जाए और यह देखे कि भारत की विभिन्न शहर बहुत ही सुंदर है। मैं तो जागरूक आपको करूँगा, आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। चला गया है, लेकिन वर्षों से इसकी मरम्मत या सौंदर्यीकरण के नाम से नदारद है। पहले भी ऐसी देखा जा सकता था, आज भी वैसे ही है। उत्तर प्रदेश सरकार को गंदा नाला का सौंदर्यीकरण कराया जाना चाहिए। वहीं पर पास में गोमती नदी है, इसका भी कोई आधुनिक सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। शहर कोई भी हो, सभी सड़क और शहर और सौंदर्यीकरण मांग रही है, जिससे सरकार को विशेष ख्याल रखना चाहिए। मेरा भारत स्वच्छता पर विशेष बल दिया है। वहीं पर शहर की सौंदर्यीकरण के लिए दूर पुराने से ऐतिहासिक और इमारतों को भी खास ध्यान रखना चाहिए। हाईटेक और सौंदर्यीकरण करने की ज़रूरत है। राज्यों की सरकार से अपील है कि विभिन्न तरह के हाईटेक के साथ साथ शहर को सुंदरता की भी ज़रूरत है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति शहर में आए या जाए और यह देखे कि भारत की विभिन्न शहर बहुत ही सुंदर है। मैं तो जागरूक आपको करूँगा, आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। कराया जाना चाहिए। वहीं पर पास में गोमती नदी है, इसका भी कोई आधुनिक सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। शहर कोई भी हो, सभी सड़क और शहर और सौंदर्यीकरण मांग रही है, जिससे सरकार को विशेष ख्याल रखना चाहिए। मेरा भारत स्वच्छता पर विशेष बल दिया है। वहीं पर शहर की सौंदर्यीकरण के लिए दूर पुराने से ऐतिहासिक और इमारतों को भी खास ध्यान रखना चाहिए। हाईटेक और सौंदर्यीकरण करने की ज़रूरत है। राज्यों की सरकार से अपील है कि विभिन्न तरह के हाईटेक के साथ साथ शहर को सुंदरता की भी ज़रूरत है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति शहर में आए या जाए और यह देखे कि भारत की विभिन्न शहर बहुत ही सुंदर है। मैं तो जागरूक आपको करूँगा, आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। करने की ज़रूरत है। राज्यों की सरकार से अपील है कि विभिन्न तरह के हाईटेक के साथ साथ शहर को सुंदरता की भी ज़रूरत है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति शहर में आए या जाए और यह देखे कि भारत की विभिन्न शहर बहुत ही सुंदर है। मैं तो जागरूक आपको करूँगा, आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।